अल्फ्रेड, ये पागल चेंज होना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं 2 महीने बाद आऊंगा, दीक्षा दी है, मैं बताऊंगा 2 महीने में चेंज हुआ कि नहीं। आपके सामने नाम है, आप साधना करिए, 2 महीने बाद आप मुझे मिलिए, मैं आपको मिलूंगा। तब एहसास हो पाएगा कि मैं सत्य हूं या गलत हूं। गलत हो तो मुझे छोड़ दीजिए, मत अपनाइए मुझे, कोई फायदा नहीं। सत्य हूं तो छोड़िए मत फिर, क्योंकि मैं आपको पार पहुंचा सकता हूं उस जगह जहां तक कोई नहीं पहुंचा पाया, वहां मैं पहुंचा सकता हूं आप। ने प्रयोग किया तो उन्होंने 14-15 लोग थे, सब अपने उच्च कोटि के गुरु थे, इन्होंने कहा इनको जेल में डाल दो। उन्होंने जेल में इसीलिए बुलाया, इसीलिए जेल में डाल दें, सैनिकों ने पकड़े, जेल में डाल दिया सबको। और कोई राम नाम 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 ओम अल्लाह 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 कर रहा, कोई इशूज कोई ऐसा कर रहा। एक दिन तो किया, रोटी आई नहीं खाने के लिए, साला रोटी हिटलर्स ने बुलाया तो ज्ञान ध्यान करने के लिए, कुछ ज्ञान सीखने के लिए, यहाँ जेल में डाल दिया। हिटलर रह के आदमी रन चक्कर, ये क्या है? मैं को कह दिया कि ऊपर से रोटियां डाल देना, 14 गुरु हैं, 14 रोटियां डाल देना बस खत्म, और 14 गिलास पानी नीचे उतार देना, ऊपर देखना नहीं है, दरवाजा खोलना नहीं है, बिल्कुल अंधेरा, रोशनी करनी नहीं है, तो ऊपर से पहुंचा देना। और 14 रोटियां मिली सबने, एक रोटी बांटी, अब 8-8 रोटियां गर्म गुरु तो खाएंगे, 40 रोटी, लड्डू खाएंगे, पेड़े खाएंगे, पेट इनका इतना होगा। कोई गुरु दुबला पतला होगा तो गुरु थोड़े हो सकता है, वो जो अधिक लेटा हुआ है वह गुरु। हमारे यहाँ तो गुरु जी बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हो, सोने की ऐनक चढ़ी हुई हो, बहुत ऊंचे मोतियों हीरों के जवाहरात पहने हुए हों, अंगूठियां हों सोने की, वो बहुत बड़े गुरु हैं, जिनके पोस्टर हों टीवी में, जिनके फोटो आते हों, और टीवी में फोटो अगर आना है तो तुम्हारे गोल्ड का तो अटैचमेंट होता ही है। कोई ऐसा था, मैं तो आज तक 20 साल में पढ़ा नहीं, आप सोना खरीदिए, सोना बहुत कीमती धातु है, ऐसा टीवी में विज्ञापन मैंने तो देखा नहीं। निर्मा निर्मा का तो देखा, निर्मा खरीदिए कपड़े साफ होते हैं, लाइफ बॉय खरीदिए इससे मैल निकलता है, ये तो अटैचमेंट देखा, पर सोना खरीदिए ये बहुत कीमती, ये तो मैंने नहीं देखा। सोने को विज्ञापन की जरूरत नहीं है, मानो मुझे अपने विज्ञापन की जरूरत नहीं है, टीवी मुझे चेहरा दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। जो समझेंगे वो अपने आप समझ जाएंगे, ज्ञान अपने आप चेहरे से बोल जाएगा, हृदय से बोल जाएगा, आंखों से बोल जाएगा, उनके शब्दों से बोल जाएगा। दूसरे दिन 14 रोटियां गई, पानी के गिलास, अब रुक, 3rd दिन हो गया, 4th दिन हो गया, 5 दिन, 2 दिन तो अल्लाह अल्लाह राम राम करते रहे, 3 दिन कहा तुम क्या करें, ये तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, भूखे मर रहे हैं हम तो, ये सर हिटलर रोज से नहीं, अंधकार अंधकार है, कोई सैनिक मिले तो बात तो करें, भाई हमारी तुम्हारी इच्छा क्या है? उसने कहा अल्लाह है कि नहीं है, मगर पहले खाना तो मिले, बाद में अल्लाह जपते रहेंगे। साले 1 रोटी से होगा क्या, वो भी पतली सी रोटी गेहूं की, 4 दिन अल्लाह अल्लाह भूल गए, राम राम भी भूल गए, 5 दिन रोटी देनी बंद कर दी, 5 दिन रोटियां देती, रोटी देनी बंद कर दी, पानी देना शुरू कर दिया, सिर्फ 1 गिलास पानी। 11 दिन दरवाजा खोला, धर्म गुरुओं को बाहर निकाला सबको, और दुबले पतले आंख हंसी हुई, पिचके हुए गाल, थरथराते हुए, इधर का बैठ जाओ सब सामने, बताइए कि देवता कैसे होते हैं? उनका रोटी की जैसे गोल गोल होते हैं, अल्लाह कैसा होता है वो भी वैसा ही होता है, राम कैसा होता है वो भी वैसा ही होता है। आग पेट में रोटियां हैं इसलिए आपके मन में कचरा है, दिमाग में, जिस दिन आपके पास धुलाई हो जाएगी स्पष्ट हो जाएगा कि आप खुद बन सकते हैं, पुरुष बन सकते हैं, नर हैं, नर से पुरुष, पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकते हैं, यदि आप 2 कदम आगे बढ़ा सकें, यदि ज्ञान की चेतना बढ़ा सकें, यदि अपने अंदर दीपक से प्रज्वलित कर सकें, और यदि आप मैं कहूँ और पल्ला झाड़ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम राम की कथा सुनते हैं उसके बाद पल्ला झाड़ के घर चले जाते हैं, क्योंकि तो नहीं बनते, बस राम जी अपनी जगह, हम अपनी जगह, फिर राम जी आप कल्याण करेंगे, उससे कुछ होगा नहीं। पिछले 300 वर्षों से मैं तो कथा सुनता आ रहा हूं, कथा सुनने से और राम जी करने से तो सिकंदर ने, उस हिटलर ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, वो तुमसे पहले कर चुके। हम जीवन में संपन्न बने, ज्ञानवान बने, चेतनावान बने, आगे बढ़े, सफलता प्राप्त करें, उसके लिए भौतिक पक्ष हमारा प्रबल हो, आध्यात्मिक पक्ष भी प्रबल हो, मगर हमारे लिए कौन सा गुरु सही है, हमारे लिए कौन सा मंत्र सही है,
कौन सी चेतना सही है, कौन सा दिन आएगा जिसमें आप सही समझेंगे ये चीज सही है ये गलत है? कौन समझाएगा आप? कचरे को सोना बनाने से, पीतल को सोना बनाने से आप पीतल अपने जेब में तिजोरी में रखेंगे और सोना कैसे बनेगा? किस धर्म गुरु के पास, किस सदगुरु के पास जाना पड़ेगा कि मेरे पास ये चीजें सोना है, ठीक है सोना है, वो आपको झूठ नहीं बोल सकेगा, वो आपको मक्का भी नहीं सिखाएगा, वो आपको छल नहीं सिखाएगा। इसलिए मैं कोई स्वार्थ नहीं है, मैं बार बार गुजरात में आना चाहता हूँ, हर शहर में जाना चाहता हूँ, आपके थ्रू जाना चाहता हूँ, आपके द्वारा जाना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि जाऊंगा। यदि प्रारंभ मैंने आपको कल ही बताया था 30 साल तक यमराज मेरे सामने आएगा नहीं, मुझे ध्यान है क्योंकि मैंने ज्योतिष की 130 किताबें लिखी है, ज्योतिष का मुझे ज्ञान है, मैं अखिल भारतीय ज्योतिष का अध्यक्ष हूँ, मैं वेद के मंत्रों को जानता हूँ, चेतना हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा गर्व है। घमंड करने वाला गलत होता है, गर्व करने में कोई गर्व नहीं, भारतवासी हूँ मैं, गर्व है मुझे, ज्ञान है वेदों का, ज्ञान है जुर्वेद पूरे कंठस्थ रूप से बोल सकता हूँ, ये मेरा गर्व है, ये मेरा घमंड नहीं है। गीता में कृष्ण कह रहा है अर्जुन तुम मूर्ख है, तू समझ नहीं पा रहा है, तू मुझे सारथी समझ रहा है, तू समझ रहा है कि मैं तेरा सखा हूं, दोस्त हूं, तू समझ रहा है तुम्हारे घोड़ों को चला रहा हूं, तू मूर्ख है अज्ञानी है। जिस दिन तुम्हारी आंख खुल जाएगी उस दिन तू समझेगा कि मैं कौन, और जिस दिन पहचान लोगे उस दिन मेरा शरीर रहेगा नहीं। गीता के पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक केवल कृष्ण अर्जुन को यही समझाते रहे कि तू मुझे पहचान ले, अभी नहीं पहचानेगा तो जिंदगी में नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि एक दिन मेरा शरीर जरूर शांत होगा और उनका शरीर आपके गुजरात में ही शांत हुआ और हम कृष्ण को नहीं पहचान पाए, न दुर्योधन ने पहचाना न दूसरा सबने पहचाना, फिर भीष्म के अलावा किसने पहचाना है नहीं। और आज भी अगर सही असली गुरु कृष्ण, सही कृष्ण आप यहां बीच में आके खड़ा हो जाए तो आप देखेंगे 2 रुपया बहुत टॉप, क्या कृष्ण का 2 रुपया अपन बनाया है टॉप। वो कह रहा मैं कृष्ण हूं तुम 2 रुपया नहीं है, उनका कहे हमारे गुजरात में सैकड़ों कृष्ण है, हमारे तुम्हारे जैसे तुम अकेला थोड़ा ही, गली 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 में कृष्ण है, चल हम जानते हैं बहुत समझदार है, गरीबी तम भी नहीं है, तुम नहीं पहचान पाओगे, कहां से पहचान पाओगे, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, सदगुरु नहीं है, कहां से उस कृष्ण को पहचान पाओगे? वो आएगा तो बेचारा पागल होकर वापिस चला जाएगा, तुम कहोगे 2 रुपया है। वो कह रहा मैं कृष्ण हूँ, वही कृष्ण हूँ जो द्वापर युग में था, आप मुझे पहचान तो लो। तुम्हारे जैसे बहुत देख चुके, हम भी कोई गए भी थोड़े गुजरात में रहते हैं, समझदार हैं, कारखाना चलाते हैं, मूर्ख मत बनाइए, अपने घर जा, 2 रुपए फेंक देंगे उसके सामने जा, थोड़ा तुम्हें समझाएगा। ये कृष्ण अर्जुन को कह रहा था, अर्जुन तुम मुझे समझ नहीं पा रहा है, इन चरण चक्षुओं से तुम मुझे समझ नहीं पाओगे, तो मैं चला जाऊंगा तो हजारों मंदिर बनेंगे मेरे, हजारों घंटा घड़ियाल बजेंगे, हजारों आरतियां उतारी जाएंगी, क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारतवासी मूर्तों की पूजा करते हैं, सजीव व्यक्तियों की पूजा नहीं करते। मरने के बाद मंदिर बनते हैं, राम के, कृष्ण के, हनुमान जी के सैकड़ों मंदिर बनाए, घंटा घड़ियाल बजाए, जब जीवित थे तो सैकड़ों गालियां दी, मथुरा से उसको भगा दिया, उसको मारने के लिए सैकड़ों उपाय किए गए, जीवित राम को वनवास दे दिया गया, बुद्ध को सूली पे टांग दिया गया, शुक्रात को जहर दे दिया गया, मीरा को मैं से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि हम जीवित लोगों की पूजा करना जानते ही नहीं। मरने के बाद स्मारक बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके स्मारक बनाकर समाधियां बनाते हैं, आरतियां उतारते हैं, मंदिर बनाते हैं, क्योंकि हम मरे हुए हैं और मरे लोगों की पूजा करना जानते हैं। कब समझ में आएगी? और इन चरण चक्षु तुम्हें आदमी की पहचान नहीं हो सकती, तुम्हारे पास ज्ञान चक्षु होने चाहिए, तुम्हारे पास दिव्य चक्षु होने चाहिए, वो कब आएंगे? कौन देगा तुम्हें? कारखाना देगा? कल कारखाना बनेंगे दिव्य चक्षु, कैसे बन पाएंगे? बन पाएंगे जब तुम्हारे 2 कदम आगे बढ़ेंगे, तुम्हारे पास सदगुरु होगा, तुम्हारे हृदय पर ठोकर मारने वाला होगा, तुम्हारा चापलूसी करने वाला नहीं होगा। मैं चापलूसी करके तुमसे 200 रुपये ले सकता हूँ, भाई मेरे बच्चे हैं तुम 200 रुपये 100 रुपये कुछ दे दो तो सुबह ठीक रहेगा, चल स्पष्ट कर लीजिए, 50-50 रुपये चढ़ाई तुम मर थोड़ी रहे हो, ऐसा भी नहीं बोल सकता था। मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं तुम्हारे पैसे, मैं तो ये बोला सुबह ये बोला, जरूरत है नहीं मुझे, मैं गुरु हूँ सदगुरु हूँ तो मुझे ध्यान है, अगर मैं खुद ही कंगाल होऊंगा तो मैं तुम्हें सम्मान कैसे बना पाऊंगा? मांगने वाला दूसरे को सम्मान कैसे बना सकता है? मुझे इसकी जरूरत है भी नहीं। इसलिए पौरुषमान ब्रह्मोहन सिंह ने कहा कि तुम्हें पौरुषमान इसलिए बनाना है कि तुम कुछ कर सको। 6 महीने बाद गुरु की आंख में तुम्हारे तुम्हारा बिंब तुम्हारी नाम उन ओठों में खुद सके गुरु के ओठों पर कि ये नाम किशन लाल है, ये मदन लाल है, ये इमराज है, क्योंकि इसने ऐसा काम किया है।
प्रवीण जोशी का नाम क्यों मुझे याद है, कौन सा बेटा है, कौन सा मुझे कमा के दे रहा है? इसलिए कि उसको कहा कि कुछ ऐसा करना है, उसने अपना 12 साल से 15 साल से जुड़ा हुआ है, कोई मुझे कमा कर नहीं दे रहा है, कोई मैं उनसे 5 पैसे मांगा नहीं है। उसने जीवन का ध्येय बनाया, लक्ष्य बनाया, नौकरी कर रहा है। उसने कहा नौकरी छोड़ के आपके पास आना चाहता हूं, नौकरी छोड़नी नहीं तुम्हें। उसने कहा है आप में सैकड़ों शिष्य मेरे से जुड़े हुए और हर व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ मेरे पास आके ब्लड मिलते यार मेरे, तुम घर में रहो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, चेतना दूंगा, मगर तुम मिलोगे तब, तुम कुछ कर पाओगे तब। तुम्हें डर है कि मैं ये होगा कि नहीं होगा, तुम करके देखो तो सही, नहीं होगा तो देखा जाएगा। एबिलिटी तो मालूम पड़ जाएगी तुम कुछ नहीं हो, यूजलेस हो, ये भी तो मालूम पड़ जाएगा, कर लोगे नाम हो जाएगा। कृष्ण अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध कर, अगर तुम जीवित रहे तो विजय प्राप्त कर लोगे और मर जाओगे स्वर्ग में चले जाओगे, मगर यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, इस धरती में बैठने से कुछ नहीं होगा, खड़ा हो जा गांडीव लेकर के, धनुष लेकर के। तुम्हें वही बात कह रहा हूं, तुम्हें खड़े होना है, आगे बढ़ना है, कार्य करना है। और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको गुरुओं की, धन गुरुओं की, सदगुरुओं की जरूरत है, उनके दिमाग में कचरा है, वे गलत मंत्रों का जप कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई समस्याएं दूर हुई नहीं है, वही है जहां थे, पशु के तुल्य जीवन जी रहे हैं। क्या तुम्हारा कोई धर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, तुम्हारी कोई चेतना नहीं है? कौन तुम्हें चेतना देगा इस बात की? कौन तुम्हारे गांव में, शहर में सदगुरु आ सकेंगे? कैसे आ सकेंगे? आ सकेंगे जब तुम्हारे 2 कदम आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा गांधी सोच लेता तब तो कुछ होता ही नहीं, वो तो अपने गुजरात में पोरबंदर में आके बैठ जाता, वकालत करता, रोटियां वहां खा लेता, वकालत में रोटी ज्यादा पैसे मिलते थे। उन्होंने कहा ये लक्ष्य नहीं मेरा, लक्ष्य मेरा कुछ और है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा पेट पालना और बच्चों का पेट पालना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें कुछ करना है, करना है सबके सामने घोषणा करना है कि मैं आपको बुलाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। ये चेतना, ये प्रज्ञा, ये ज्ञान यदि आप में होगा तो आप सही अर्थ में पौरुषवान है, ये तो नर है। और नर का अर्थ है अपने समान पैदा करने वाला व्यक्ति, उसको नर कहते हैं। पौरुष पुरुष, जो उनसे ऊंचा उठा हुआ, जो समाज देश के लिए, धर्म के लिए, चेतना के लिए, उच्च कोटि के लिए ज्ञान का दीपक जलाता है, वह पुरुष कहलाता है। पुरुषोत्तम, जो उससे भी ऊंचा उठ करके बहुत कुछ कर सकता है, पुरदेश में जोड़ सकता है, वह पुरुषोत्तम है। और जो पुरुषोत्तम है वह राम है, वह कृष्ण है, वह बुद्ध है, वह महावीर है, वह चैतन्य है, वह मीरा है, वह व्यक्ति है। इसलिए जन्म से कोई महापुरुष नहीं बनता, अपने कार्यों से, त्याग से, भावनाओं से, जुड़ते रहने से, आगे बढ़ने से और कुछ कर गुजरने से सब कुछ हो सकता है। जो लहरों से जूझना, समुद्र में कूदता नहीं, किनारे बैठा रहता है, उसके हाथ में घोंगे और शीपी और कंकर और पत्थर याद आते हैं। जो समुद्र में छलांग लगा सकता है वो तो मोती लेकर निकल सकता है या डूब जाएगा, तो दूसरी एक बात होगी, डूबे हुए तो ही मौत आ जाएगी, तो सलवाद आ जाएगी, आएगी जरूर, या फिर मोती लेकर निकल जाएंगे। एक बार रिस्क लेनी पड़ेगी, एक बार खड़ा होना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। इसलिए प्रमुख सिंह में यही बात बताई गई थी। और कल 2 दिन का शिविर है, कल भी मैं तुम्हें अभी प्रवीण जोशी ने कहा कि कुछ उच्च कोटि के प्रयोग आप संपन्न करवाएंगे थे, क्योंकि ये बार बार क्षण आएंगे नहीं, मैं उसकी बात मानता हूं, मैं आपकी बात भी मानता हूं। प्रवीण भी उतना ही प्रिय जितना आप प्रिय हैं, प्रवीण का कोई ठेका नहीं है, आपका भी कोई ठेका नहीं है। आप नहीं भी होंगे तभी मेरा जीवन चलेगा, हिंदुस्तान बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है, मैं बोलूंगा तो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, खाली गुजरात की जरूरत नहीं, मुझे राजस्थान की जरूरत है, मैं बोलूंगा तो पूरा देश सुनता है, पूरा विदेश सुनता है, क्योंकि मुझ में चेतना है, मुझ में गर्व है, मुझे ध्यान है, मुझे क्या करना है। इसलिए कल मैंने भी आपको कहा कि पूर्णता तब प्राप्त हो पाएगी जब आपके हृदय में गुरु स्थापन हो पाएंगे, उनके पूरे ज्ञान को लेकर के ही अपने हृदय में स्थापन कर लें, फिर भी बचेगा ही क्या, ये कितनी साधना करेंगे हम। मैं तो आपको ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।
ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।